बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकली चांद। दोस्तों, इन दिनों हवाओं में, फिजाओं में जो बातें गर्दिश कर रही हैं, उसने कारोबार ज़िंदगी मोबाइल इंडस्ट्री का दूबर कर दिया है। और छोटे तो फारिग होने के करीब जा रहे हैं और बड़े जिनके हलक में स्टॉक मुख्तलिफ कंपनियों का दाखिल हो चुका है, उसे उगलने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि ना इस वक्त वो सूरत हाल आपने सुनी होगी, ना निगला जाए ना उगला जाए। तो परेशानी एक हद से ज़्यादा गुजरती चली जा रही है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? चंद मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ का स्टॉक जो आ रहा है, बेसिकली इसका मेन मरकज़ पंजाब जो है, वहाँ से उसकी दारुल हुकूमत इत्तला के मुताबिक, सही है या गलत ये काम हमारा नहीं है, लेकिन कंपनी चाहे तो तहकीकात कर ले, इत्तला के मुताबिक लाहौर इसका मरकज़ बन गया है। और लाहौर से जो है वो स्टॉक चंद कंपनियों का, मोबाइल फ़ोन ब्रांड का 2%, 2.5%, 1.5% और 1% पे कराची समेत साउथ, नॉर्थ और नॉर्थ टू में सप्लाई किया जा रहा है। सेंट्रल के कुछ हिस्से भी उससे मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने रोज़ी के मामला ख़राब करके रख दिए हैं। बिलखसूस कराची बिल्कुल तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के अपने नामज़द करदा फ्रंटमैन वो स्टॉक दे रहे हैं और कागज़ों में पूरा का पूरे पैसों का हिसाब दिया जा रहा है। इसमें इतनी ज़बरदस्त वो है कि खुले आम जो है अब मोल तोल शुरू हो गया है, जिसमें मैं आपको इत्तला अर्ज़ करूं कि इसमें ख़ास तौर पे 2-3 ब्रांडों का नाम आ रहा है। और अगर देखा जाए तो दुनिया की टॉप 3 में शामिल जो ब्रांड हैं, उनके मुताबिक 2 ब्रांड जो है उससे बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। चाइना की 2 ब्रांड भी इसमें मुतासिर हो चुकी है और इनके मामला धर्म भरम चल रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस खाकसार को, इस खादिम को आपके और इस नाचीज़ को ये इलम है कि कौन कौन सी ब्रांड, लेकिन मेरा काम ये नहीं है। मेरा काम है कंपनियों की घंटी बजाना, वो चाहें तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकती हैं। लेकिन जो मोल तोल बढ़ा नहीं रहे, उनका स्टॉक बिकना बंद हो गया है। एक हाल ही में जो मैंने बताया कि जो मामलात हैं एक बड़ी कंपनी के जो चल रहे हैं, उसमें बहुत तेज़ी से मोल तोल डीलर्स के लिए और जो माल स्टॉक लेता है उसके लिए ऑफर्स मुख्तलिफ चल रही। कंपटीशन करना एक अच्छी रिवायत है और सेहतमंद रिवायत को कायम करने के लिए कंपटीशन ज़रूरी है, लेकिन यहाँ तो मोल तोल का कंपटीशन शुरू हो गया है। मैं इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड के ज़्यूरिख एयरपोर्ट से, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं इन दिनों विज़िट पर आया हुआ था स्विट्ज़रलैंड यूरोप के दौरे में। तो लेकिन इसके बावजूद ये इत्तला मुझे पहले थी, लेकिन पाकिस्तान भर से मुझे इत्तला मौसूल हो रही हैं कि ये हद से ज़्यादा इन्होंने जो है वो काम बिगाड़ के रख दिया है। तो प्लीज़ काम को, चेक एंड बैलेंस को बरकरार रखने के लिए एक सिस्टम बनाना ज़रूरी है, जिसे सिस्टम आपके लिए ज़रूरी है, इसी तरह डीलर्स के रोज़गार के लिए भी ज़रूरी है। आप उनको चेक करें, स्कैन करें, कहाँ से माल आ रहा है, किसका स्टॉक है, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उसके स्टॉक बंद करें, उस पर जुर्माना लगाएं। लेकिन कंपनी अगर इस तरह होगा, कंपटीशन आपस में डिस्ट्रीब्यूटर शुरू कर देंगे, तो कंपनी का जो ब्रांड है ना, ब्रांड का कबाड़ा निकल जाएगा। तो मैं आपको आगाही दे रहा हूँ, नए मॉडल्स भी आ रहे हैं, पुराने भी, लेकिन मिट्टी पलीत होती जा रही है। ख़बरें बहुत सारी आपको ये खाकसार देता रहता है, लेकिन अभी भी आपको इत्तला दे रहा हूँ कि मसले का हल ढूँढ लें इससे पहले कि देर हो जाए, समंदर का पानी सारा बह जाए, जो कि बहता नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है कि इस तरह अगर काम होगा तो चलेगा नहीं। जाने से पहले फिर आपसे अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फी अमान अल्लाह।